चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां पर लखनऊ में वरिष्ठ महिला कल्याण समिति की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आयोजित सांस्कृतिक नृत्य कार्यक्रम में कलाकारों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से जनता का मन मोह लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की संचालिका इंदु सुभाष और लवली के नृत्य निर्देशन में सभी बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनकी संस्कृति के प्रति जागरूक करना था। नमस्कार, हम मौजूद हैं आज लखनऊ के विकास नगर क्षेत्र में और चलिए यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ के संचालक से जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्या क्या नए नए इवेंट्स होने वाले हैं। नमस्कार मैम। थैंक यू जी। मैम बताइए कि मुझे इस कार्यक्रम के बारे में बताइए और क्या क्या होने वाला है इस कार्यक्रम में, इसके बारे में बताइए। इस कार्यक्रम के बारे में मेरे से अच्छा दीदी बता सकती हैं, क्योंकि ये इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर है। इनका नाम कुसुमलता श्रीवास्तव है और ये कार्यक्रम जो है चौथे शनिवार पर हनुमान जी को डेडिकेट होते हुए एक भंडारा है। इनकी इच्छा है, ये वरिष्ठ नागरिक महिला कल्याण समिति की प्रेसिडेंट है और ये चाहती है कि जो आसपास की वृद्ध महिला है हॉल्स में नहीं पहुंच पाती है, यहाँ पर आकर के आराम से लोक नृत्य और सबका आराम भी लें और साथ साथ बढ़िया बढ़िया प्रसाद भी खाएं। तो इनकी फीलिंग जो है वो लोक कल्याण की है। आपसे मिली तो मंगलवार के शुभ समारोह पर ये सांस्कृतिक नृत्य आयोजन किया गया, तो चलिए मैम से इसके बारे में और जानते हैं। जी मैम बताइए। मैं आपको यह चाह रही हूँ कि यूपी की मैं अकेली रेडियो चेयरपर्सन हूँ जो कि केवल वृद्ध महिलाओं को देखती हूँ, मतलब जिनका कोई सहारा नहीं है, बिल्कुल पुअर है। इसके अलावा स्लम एरिया में जाती हूँ, ये वर्ल्ड रिपोर्टेड की मतलब वो आए, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ स्लम एरिया में जाके मैंने दो बार भंडारा किया है, वहाँ स्लम एरिया में किया है, वहाँ मैंने स्लम मतलब फ्लैग होस्टिंग कराई है। इसके अलावा जो स्लम एरिया के बच्चे हैं वो यहाँ आके स्टेज पे भी ऑडिटोरियम में भी उन्होंने डांस किया है। इस तरीके से मैंने वेलकम किया है। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम की औरतें जो 70 से 75 इयर्स तक की है उन्होंने कैटवॉक किया है, जो कि एक इंडिया का फर्स्ट रिकॉर्ड है। ये पेपर है, न्यूज में भी आ चुका है। मतलब आपने वृद्ध महिलाओं को और बाकी सारी महिलाओं को जो इस पायदान पर नहीं आ पाती, वृद्ध महिलाएं, सिर्फ वृद्ध महिलाओं को आपने आगे बढ़ाया है, मौका दिया है। जी हाँ, ओके ओके, क्योंकि यंग जनरेशन क्या कर रही है सभी जान रहे हैं, मतलब वृद्ध महिलाओं का जीना मुश्किल हो गया है। आई एम टोटली अगेंस्ट नारी सशक्तिकरण, ओके। जस्टिस एस सी वर्मा हैज आल्सो कम एंड दे ऑल नो मी कि व्हाट आई एम डूइंग इन यूपी। ओनली मेरा यही एक मतलब अंदर से है कि जो हमारी वृद्ध महिला इस तरीके से जी रही, जिनका जिंदा रहना मुश्किल है, कम से कम उनके लिए कुछ किया जाए। यह मैं मंत्री से तक से फाइट करती हूँ, सबसे लड़ती हूँ मैं। चलिए मैम, ये बहुत अच्छा उद्देश्य है आपका, आशा है कि आप इसमें और आगे बढ़े और सफल होती जाएं। चलिए अब लवली हिंडियाल मैम से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि आज जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जिस खूबसूरती से उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम में माँ की भूमिका को दिखाया है, उनसे जानते हैं कि और क्या है आगे और उन्होंने जो अभी तक परफॉर्मेंस दी है उसमें क्या वो बताना चाहती हैं। हेलो मैम। हेलो मैम जी। मैम बताइए फिर, आज का जो आपका कार्यक्रम था, आपका जो परफॉर्मेंस था, वो जिस पर बेस था उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम महिला कल्याण के उसमें प्रोग्राम करने आए तो महिलाओं को समर्पित है, इसीलिए मैंने अपनी पहले तो हम लोगों ने शिव की वंदना करी, उसके बाद शिव के विभिन्न रूपों को दिखाया, उसके साथ ही साथ हमने माताओं को समर्पित किया अपना नृत्य कि वरिष्ठ महिलाओं के लिए यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। तो मेरा वो ये था कि हम सबके करियर की सफलता के पीछे कहीं ना कहीं हमारी माँ का हाथ है, तो इसीलिए हमारा पूरा प्रोग्राम अपनी माँ को समर्पित है। तो आपका मुख्य उद्देश्य अपनी माँ के लिए, अपनी जितनी भी महिलाएं हैं उनको उन्होंने अपना नृत्य समर्पित किया है। तो मैम मुझे ये बताइए कि नृत्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये किस फॉर्म का था इस बार? इसमें हमने भरतनाट्यम भी दिखाया है, कथक भी दिखाया है एंड फ्यूजन दिखाया है, इंडो वेस्टर्न फ्यूजन भी दिखाया है। मैम जैसा कि कहा जाता है कि आने वाले वक्त के साथ हमारी जो संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? इसीलिए मैंने किसी को छोड़ा नहीं है, आपने देखा होगा मैंने तीनों चीजें दिखाई हैं, हमने वेस्टर्न फॉर्म भी दिखाया है, क्लासिकल फॉर्म भी दिखाया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा आजकल क्लासिकल लुप्त होता जा रहा है, उसी के उसमें मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ कि बच्चों को कहना चाहती हूँ कहीं पे भी अपनी संस्कृति को ना छोड़ें, उससे जुड़े रहें। जी शुक्रिया मैम। मैम ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ कितने खूबसूरत खूबसूरत बच्चे हैं और वो ड्रेसेस में अपनी तैयार है परफॉर्मेंस के लिए। आइए इनसे जानते हैं। हेलो। हेलो, आपका नाम? मनीषिका श्रीवास्तव। ओके मनीषिका,
जी, आज आप क्या परफॉर्मेंस करने वाली हैं ये बताइए। भरतनाट्यम एंड क्लासिकल। तो इसके बारे में बताइए कि किस तरीके की प्रिपरेशन रही, किस तरीके से आपने सीखा, क्या शुरुआत थी इसकी? बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग हर टाइप के डांस फॉर्म को अपने सबके सामने परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो यही डांस फॉर्म क्यों, और भी कई सारे डांस फॉर्म है, सिर्फ यही डांस फॉर्म क्यों चुना आपने? हम लोग सारे डांस फॉर्म करते हैं मगर हर बार बार बारी बारी से डिफरेंट डिफरेंट करके दिखाते हैं सबको। कहा जाता है कि सांस्कृतिक नृत्य यानी कि भरतनाट्यम कथक पायदान होता है किसी भी नृत्य को शुरू करने का। यहाँ पर नृत्य हर रूप में प्रस्तुत हो रहा है, हर खूबसूरती के साथ प्रस्तुत हो रहा है। तो चलिए कुछ और बच्चों से बात करते हैं कि आज क्या नया करने वाले हैं वो। हेलो। हेलो, अब मुझे ये बताइए कि क्या परफॉर्मेंस है आपकी आज? हम लोगों ने माँ के ऊपर परफॉर्म किया है और जितनी भी माओ के ऊपर ट्रिब्यूट किया है ये वाला सॉन्ग। ओके, माँ को रिलेट करके। तो क्या इम्पोर्टेंस रहती है एक सक्सेसफुल लड़की के लिए, स्पेशली जो वो डांस करती है आजकल की सोसाइटी में? पहले तो बहुत ब्रॉड मतलब नैरो माइंडेड होते थे, अब काफ़ी ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे? अभी तो माँ बाप स्पेशली माँ तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और हर चीज़ पे साथ देती हैं। ज़रूरी नहीं, लगभग बोलते हैं कि नहीं माँ नहीं सपोर्ट करते, बट नहीं, अभी तो बहुत मम्मा सपोर्ट करती हैं और हर एक चीज़ पे लगभग, और पढ़ाई पे भी तो बट ऑब्वियस है, बट डांसिंग में मोस्टली ज़्यादा। मतलब आपकी इच्छा जिसमें, आपकी रुचि जिसमें, उसमें आपको सपोर्ट मिलता है। आइए इनसे बात करते हैं। हेलो मैम, आपका नाम? मनीषा यादव। ओके मनीषा जी, मुझे बताइए आज की परफॉर्मेंस क्या रही आपकी, उसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग ने मतलब दीदी आदिशक्ति ग्रुप से, मतलब तीन लोगों ने अपनी माँ को रिलेट किया है, मतलब माँ के लिए सॉन्ग। और बाकी मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ, फोक भी डांसर हूँ और वेस्टर्न भी करती हूँ। 7-8 ईयर्स हो गया मुझे डांस करते। बस तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है डांस की, मुझे ये बताइए। बस बहुत ज़्यादा सक्सेस होना है, नाम कमाना है और बहुत बस छाना है कि बस नाम होना है मेरा, बस यही है ज़्यादा। बच्चों में देखिए कितना कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस है कि वो चाहते हैं कि वो आने वाले समय में अपनी संस्कृति के साथ अपने देश का नाम रोशन करें। आशा है आप सभी को इन सभी की परफॉर्मेंसेज अच्छी लगें और ये सारे बच्चे आगे बढ़कर पूरे देश का, पूरे भारत का नाम रोशन करें। कैमरा पर्सन हमजा के साथ मानवी पाठक।